91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को हेमा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मानव ने अपने विकास क्रम के दौरान अपने आसपास के परिवेश को बदलना शुरू किया। मानव का हमेशा यही प्रयास रहा है कि कैसे जीवन को सभी के लिए आसान बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले आग की खोज हुई, जिससे एक तो जानवरों से सुरक्षा हुई, दूसरे भोजन को भी पकाकर खाया जाने लगा। धीरे धीरे विकास क्वांटम कंप्यूटर तकनीक तक पहुंच गया है, पर सवाल ये है कि ये विकास किसके लिए हुआ? तो हम सबके मन में जो तस्वीर उभरती है उस मानव की, जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी परिवर्तन जीवन को आसान बनाने के लिए हुआ, उनके केंद्र में मानव शरीर का यही ढांचा था। पर जो अल्पसंख्यक समूह किसी कारणवश इस ढांचे से अलग था, उनके लिए यह बदलाव किसी महत्व के नहीं रहे। पर कोई सशक्त इसलिए है ना कि संसाधनों का विकास इस प्रकार हुआ है, और निशक्त, दिव्यांग या अशक्त इसलिए है कि संसाधनों का विकास उसके अनुकूल नहीं हुआ। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि ये अशक्त और निशक्त जैसी शब्दावलियां भ्रामक हैं। इसके केंद्र में शरीर आ जाता है, जबकि आना चाहिए विकास के स्वरूप को। मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी सुविधा हो कि व्हीलचेयर बिना किसी सहारे के ट्रेन में प्रवेश कर जाए, तो कोई क्यों अक्षम कहलाएगा? ठीक ऐसे ही यदि पढ़ने के लिए देखना अनिवार्य ना हो, तो किसी दृष्टि बाधित के लिए क्या समस्या होगी? यानी ज्ञान के स्रोतों को देखने के साथ साथ छूकर पढ़ने या ब्रेल लिपि या कोई सुन नहीं पाता है, तो सांकेतिक भाषा से या किसी अन्य विधा यानी सुनने जैसा कुछ के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, तो इससे महरूम रहने वाला वर्ग भी आसानी से पढ़ पाएगा। हालांकि इस क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है और हो रहा है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा है कि हमारे पास हमेशा से प्रेरणादायी कहानियां रही हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित कर सकते हैं। इसीलिए इस वर्ष विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर NIEPVD के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता के निर्देशन में एक आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे भारत से विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों ने NIPVET के प्रांगण की दीवारों में चित्रकारी यानी पेंटिंग की गई, और वो हर एक पेंटिंग एक कहानी कहती है। हर एक पेंटिंग को देख कर कहानी समझ में आती है, पर ये कहानी सभी के लिए सुगम हो सके, इसलिए इन कहानियों को हमने रेडियो के माध्यम से सुनाकर सभी के लिए सुगम्य बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है, और इन कहानियों को रेडियो धारावाहिक के रूप में आप सभी के समक्ष लाने का छोटा सा प्रयास किया है, और इन कहानियों को आप सभी के लिए स्वयं NIPVET के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राउत अपने खास अंदाज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर नचिकेता जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कहानी और किसकी कहानी सुनाने वाले हैं? कहानी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम दिव्यांग, जो कि अपने में एक शब्द दिया गया निशक्त जनों को, विकलांगों को हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जी, उसे सही दृष्टिकोण में, सही गलत तो कुछ होता नहीं है, भारतीय दृष्टिकोण में परिभाषित करूं जी, जिससे कि इस शब्द से जुड़े हुए जो अवधारणाएं हैं वो दूर हो सकें जी, और इस शब्द के सही मायने और भाव सामने आ सके। तो कहानियों को चार हिस्सों में तोड़ेंगे हम। सतयुग की कहानियां, त्रेता की कहानियां, द्वापर की कहानियां और अभी कलयुग की कहानियां जी, जिससे कि मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अंगों के बाहर देखने की वृत्ति, अंगों के बाहर देख पाने की क्षमता इस भूखंड में हमेशा से थी। माना कि बीच में कुछ सालों तक हम प्रताड़ित रहे, अपना बहुत कुछ भूल गए, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उसे पुनर्जीवित किया जाए, ताकि हमारी आगे की पीढ़ी इस चमक धमक देखने सुनने सूंघने वाली मार्केट इकोनॉमी में उलझ कर ना रह जाए जी, और किसी दिव्यता की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाए, ना कि इन अंगों की तरफ। आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया सर, भारतीय संदर्भ।
तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि भारतीय संदर्भ को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। विश्व में लगभग कितनी 20 या 25 प्राचीन संस्कृतियां रही जी, जिसमें कि सिर्फ एक ही संस्कृति है जो कि जीवंत है, 10,000 साल से पुरानी, वो हमारी है। हम आप जिस ढांचे में सोच रहे हैं, जिस ढांचे में इस्तेमाल कर रहे हैं भाषा का, वो आज से पहले कभी हमारे पुरखों ने किया होगा जी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो कुछ रहा होगा हम में कि हमारी हस्ती नहीं मिटती जी, बिल्कुल है ना। तो जब हमारे प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर समझा, विकलांग, निशक्त या अशक्त की जगह, तो मुझे भी उसी 10,000 साल पुरानी संस्कृति की महक उसमें आई। और मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से इस शब्द को परिभाषित किया जाए और वही कोशिश करेंगे हम। सर, शंकराचार्य के अंदर कई जन्मों के संस्कार थे, उस समय के सबसे सुसंस्कृत वर्ग के थे, जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित थी। उन्हें भी महादेव को आकर जगाना पड़ा कि दिव्यता देखने योग्य है, अंग में ना उलझें। क्या इस तरह का इशारा कभी किसी विकलांग ने किया है? बिल्कुल किया है। शंकराचार्य तो अभी के हो गए ना, 6th century के लगभग के, तो कलयुग के हो गए समझ में। पहला सतयुग हुआ, दूसरा त्रेता जिसमें राम हुए। तो त्रेता की एक कहानी है जहां की एक ऋषि हुए जिनका नाम खगोर था। खगोर बड़े प्रभावी ऋषि थे, तो अपने गुरु के पास गुरुकुल में पढ़ते थे, उन्हें सारे वेदों का ज्ञान था, उन्हें उपनिषदों के मर्म का पता था। तो गुरु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें गुरु नियुक्त किया और अपनी बिटिया का विवाह, सुजाता का विवाह खगोर के साथ कर दिया। सुजाता स्वयं वेदज्ञ थी, गर्भ से थी। तो जैसा कहते हैं ना कि संस्कार हमारे 16 होते हैं, जो कि गर्भाधान संस्कार, बच्चे के पैदा होने से पहले माँ बाप तैयारी करते हैं, उसके बाद जातकरण संस्कार, पुंसवन संस्कार, ऐसे संस्कार चलते हैं। तो हमें ये खूब पता था कि 5वें महीने होते होते बच्चा सुनने लग जाता है जी। और बड़ी जरूरत होती है इस चीज की कि वो अच्छी चीजें सुने ताकि उसमें वो संस्कार बनते रहे। तो खगोर भी क्या करते, सुजाता के साथ वेद पढ़ते। तो जब वो ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को पढ़ते, तो एक विशेष ऋचा जब वो पढ़ते, तो सुजाता तो बड़ी जोर का लात मारता गर्भ के अंदर का शिशु, और सुजाता बोलती उफ। 2-3 बार यूं जब उसी ऋचा में हुआ, तो खगोर, सुजाता और साथ में और 2-3 गुरु उस ऋचा को सुने, और उन्होंने कहा कि अरे इस ऋचा का जो उच्चारण है वो गलत है, हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है, हर चीज इसी शब्द से बना है, तो अगर गलत उच्चारण हो जाए तो कुंभकर्ण को निद्रासन मिल जाती इंद्रासन की जगह, और रावण माँ दुर्गा की कृपा नहीं पा पाता। तो गलत उच्चारण तो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है हमारे में, शब्द ब्रह्म है, माने नहीं है, बिल्कुल शब्द ब्रह्म है। तो उस गलत उच्चारण का इशारा करता अष्टावक्र। खगोर जैसे बुद्धिमान को बड़ा बुरा लगा कि ये बच्चा जो अभी तक आया नहीं, वक्र कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा, अपमान हो रहा है, बच्चा अपमान कर रहा, मेरा बच्चा, और मुझे मेरा बच्चा, ये जो भावना आ गई उनमें, तो बड़ा नाराज हुए और श्राप दिया, अभी से वक्र कर रहा है, जा मैं श्राप देता हूँ, 8 जगह से वक्र हो जा, टेढ़ा हो जा 8 जगह से। तो कहते हैं कि अष्टावक्र जब पैदा हुए तो 8 जगहों से टेढ़े थे, इसलिए अष्टावक्र, ऊंट के जैसा चलते थे। साथ में मामा का बेटा था श्वेत केतु, उपनिषदों में नाम आता है इनका। दोनों पढ़ते साथ और बढ़ते साथ, उपनयन संस्कार हुआ दोनों का, पढ़ाई शुरू हुई, विद्यारंभ हुआ, 12 साल के हुए अष्टावक्र। तो उस समय के राजा जनक हुए। तो जनक चूंकि इच्छुक थे जानने की, किस चीज को जानना चाहते थे, ब्रह्म विद्या को जानना चाहते थे, इसलिए अमूमन शास्त्रार्थ और तथाकथित ब्रह्मज्ञानियों की चर्चा करवाते। तो उस दिन उन्होंने एक सभा रख रखी थी जहां पर कि उन्होंने बोला था कि 1,000 गायें हैं जिनके सर में, जिनके सींगों पे सोने के आभूषण लगाए गए हैं, जो जीत जाएगा शास्त्रार्थ ले जाएगा गायों को। तो दूर दूर से लोग आए थे, तो आपने सुना होगा याग्रमल्क का नाम, आपने सुना होगा गार्गी का नाम,
तो ये उस समय के बड़े बुद्धिमान प्रखंड पंडित में हुआ करते थे, सारे थे उस समय जो सबसे तर्कशील थे, नाम था बंदी उनका। उनका एक शर्त था कि भाई जो हारेगा उसे मैं इसी सरयू की नदी में डुबाऊंगा। तो तर्क चलता चला गया, शाम हो गई, माँ सुजाता परेशान हुई और उन्होंने बोला कि काम करो, जाओ देखाओ, पिताजी गए हुए थे राजा के पास, अब तक वापिस ना आए, सब ठीक है? तो अष्टावक्र ऊंट की चाल चले और साथ में श्वेत केतु, ये दोनों बच्चे 12 साल के बच्चे राजभवन की तरफ आए। तो जैसे राजभवन की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल गोधूली वेला, शाम हो रही है और द्वार पे पहुंचे और द्वारपाल रुकता है, रुको इधर किधर जा रहे हो, यहाँ तो ज्ञानी प्रौढ़ और उम्र दराज लोगों का उठना बैठना है, ब्रह्मचर्या चल रही है, तुम कौन? अष्टावक्र ने पूछा उन्हें, किस तरह की आयु की बात कर रहे हो, ज्ञान वृद्ध या आयु वृद्ध? ये बात सुन के जो द्वारपाल थे वो बोले, बच्चा हल्का नहीं है, अंदर जाने को दिया। अंदर शास्त्रार्थ चल रहा था, बंदी सिंहासन पे थे, याग्रमल कुछ बोल रहे थे, गार्गी खड़ी सुन रही थी, माँ सीता भी थी वहां और जनक भी सुन रहे थे बड़े ध्यान से। जैसे उस दरबार के अंदर अष्टावक्र का प्रवेश हुआ, उसे अजीब टेढ़े मेढ़े बच्चे को देखकर सारे हंस पड़े, जोरदार हंसे। अष्टावक्र भी चुप रहे और बड़े आश्चर्य से सबको देखा, और जैसे ये हंसना चुप किया, ये अष्टावक्र ने एक जोर की ठहाका लगाई और उस ठहाका से बिल्कुल सन्नाटा सा फैल गया। जनक पूछे कि अरे तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र पूछे, आप? बोले, हमने तो आपको देखकर हमारी हंसी निकल आई। तो अष्टावक्र ने बोला कि भाई हमने भी सुना था कि ब्रह्मचर्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ तो सारे चमड़े के व्यापारी बैठे हुए हैं, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं भला उसके अंदर के देवता टेढ़ा होता है जी। पूरे सभा में सन्नाटा छा गया था। और दूसरे दिन याग्रमल्क, गार्गी, बंदी जैसे विद्वान और विदुषियों को छोड़कर जनक अष्टावक्र के शिष्य हो गए थे। आगे की कहानी ये बोलती है कि अष्टावक्र के पास जनक गए और बोले कि ना, अब राजकाज ना किया जाएगा, मुझे जिस दिव्यता की तलाश है इन अंगों के बाहर, वो आपके पास है, मुझे लगता है कि आप मुझे वहां पहुंचा देंगे। तो अष्टावक्र, 12 साल के अष्टावक्र एक बूढ़े जनक को बोल रहे हैं, क्योंकि सीता माँ उस समय 12-14 साल की रही हैं। तो बूढ़े जनक को बोलते हैं कि नहीं, लेकिन तुम्हारे राज्य को जरूरत है तुम्हारे जैसे एक राजा की, तो तू जा विदेह के ऊपर राज कर। मतलब उस जगह का नाम, उनके राज्य का नाम विदेह रखा, देह के बाहर, जो कि इस देह का अष्टावक्र ने रखा। अष्टावक्र ने कहा था उन्हें कि जाओ विदेह का राज्य करो, तुम्हारा राज्य अब विदेह हुआ और तुम्हारी बेटी का नाम वैदेही हुआ। तो जनक राज करते और शिष्यत्व लेने के लिए सुनने भी आते हैं। महागीता का नाम सुना है आपने, गीता कई तरह की है, भगवत गीता जो कि कृष्ण ने बोला जी, अणु गीता, अवधूत गीता जो कि दत्तात्रेय ने बोला था, महागीता जो कि अष्टावक्र ने बोला था राजा जनक को। तो बड़ी सीधी सीधी बात है उस अष्टावक्र गीता में, बड़ा प्यारा है। तो बाकी के जो चेले थे उनके गुरुकुल में, वो बड़े नाराज रहते कि जब भी जनक आते उनको एक ऊंचे सिंहासन पे बिठा देते, बड़ा आदर करते, क्या है ऐसा क्या है? तो एक दिन यूं हुआ कि एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया, प्रवचन चल रहा था, जनक के कान में बोला कि भाई राजमहल में आग लग गया है। जनक चुप सुनते रहे अष्टावक्र को, जैसे सुन रहे थे। और वहीं कुछ बंदर इन ब्रह्मचारियों के खोपनियों को, लंगोटों को और फटी हुई ओढ़ने के शॉल जितने थे उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और सारे के सारे ब्रह्मचारी एक दूसरे को दिखा रहे, अरे देखो देखो बंदर ना ले जाए, बंदर ना ले जाए। प्रवचन खत्म हुआ और अष्टावक्र ने कहा, देखे फर्क, इसके पास हराने को सब कुछ है जिसे आप हारने योग्य मानते हो, तुम्हारे पास ये चीदड़े, फिर भी तुम भटक गए, जनक नहीं। तो अष्टावक्र जो कि बहु दिव्यांग थे, जिन्होंने महागीता बोला, जो कि जनक जैसे राजा के गुरु हुए, वो तो दिव्यांग थे, मैं त्रिता की बात कर रहा हूं जी। तो लिखे थे, तीन ही कहानियां सुनने में आती हैं और उनका उनकी कृति महागीता आती है। तो ऐसे दिव्यांग भी हो जिन्होंने हमें जगाया।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 91.2 NIBH हेलोदून, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।